बिल्कुल शुभम, इसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, जहां जहां आज मतदान हो रहा है वहां वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो आपसी झड़प जो देखी जा सकती है प्रत्याशियों में वो भी सामने आई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से चौथे चरण में ईवीएम वगैरह खराब हुई थी कई सारी जगह पर, उसके बाद न्यूज ऑल इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, खबर के बाद कुछ ही समय बाद जो है ईवीएम सही हो रही थी। इसी तरीके से जब इतना बड़ा चुनाव होता है, एक्सेप्ट विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें जो है लोकतंत्र के महापर्व पर विघ्न डालने का काम जरूर करते हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ कहा जा सकता है कि उन सभी मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रहा है, पूरी तरीके से उस पर अंकुश लगाया गया है। साफ ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है, अधिकारियों की तरफ से के जवान भी तैनात है, और किसी तो विवाद है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन मतदान सुचारू रूप से जरूर चल रहा है। चलिए ठीक है शुभम, आपका मैं रुक करूंगी। अनिल बहराइच से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर बहराइच का हम रुख करें तो कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है बहराइच में? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम बहराइच सदर में हैं और सदर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर सपा से यासर शाह जो अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उनकी सीधी टक्कर अनुपमा जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी है प्रत्याशी है उनसे दिखाई पड़ रही है। और अभी 11:13 हुए हैं और करीब 14% मतदान पूरे बहराइच जनपद में हुआ है, शांतिपूर्वक से मतदान चल रहा है, कहीं भी किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं आ रही है, ईवीएम भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम शहर की एक बूथ पर हैं और यहाँ पर हमारे पीछे तमाम मतदाता खड़े हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं, उनके विचार क्या है आप जी? हाँ, क्या लगता है? बिल्कुल लगता है, विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार आ रही है और बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी को भाई इस बार फिर से जीतेंगे? और उन्होंने बहुत से विकास किए, उनके पिताजी के कार्यकाल में बहुत से विकास हुए बहराइच जिले में, जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ, जैसे जितने भी रोड बनवाए गए, जितनी भी नालियां सही हुई वकार साहब ने करवाई है, और यासिर भाई भी हमारे उसी पे चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे हमारे क्षेत्र। राष्ट्र के नाम पे हम लोग वोट कर रहे हैं, राष्ट्र के नाम पे हम लोग वोट कर रहे हैं, और जो है हमारे यहाँ योगी जी ने बहुत विकास किया है, बुलडोजर के नाम पे भी वोट कर रहे हैं, बाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा, राष्ट्र के नाम पे वोट हो रहा है, विकास के नाम पे बुलडोजर चल रहा था, रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य जी। कोरोना काल में भी मोदी जी ने घर घर तल्ला पहुंचाया है, सरकार ने बदमाशों से निजात दिला है, जबकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, और भारी संख्या में बदमाशों से यूपी का खात्मा हो चुका है, हाल ही में भी एक यहाँ की माननीय बदमाश जी अंदर भी है जिला कारागार बहराइच में,